नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है सुबह के ताजा तरीन खबरों का। राष्ट्रीय पद्म पुरस्कारों के नामांकन फॉर्म भरने की आज आखिरी तारीख है। अगर आपको लगता है कि आपने भी कुछ ऐसा किया है जिसको लेकर राष्ट्रपति आपको सम्मानित करे, तो आप भी इस फॉर्म को आज भर सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए भी आज नामांकन की तारीख है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रांची आएंगे। यहां से वे छत्तीसगढ़ के लिए रवाना होंगे। जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ जाने के क्रम में रांची आ रहे हैं, क्योंकि उनके यहां आने की कोई और मूल वजह नहीं बताई गई है। वहीं हवाई अड्डे पर बीजेपी के पदाधिकारियों से बैठक का कार्यक्रम जरूर है। रांची में जमीन घोटाला के सिलसिले में ईडी पूछताछ के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका पिटीशन दायर की है, जिस पर आज सुनवाई होगी। बता दें कि अब तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने 3 बार सम्मन भेजा है, लेकिन वे 1 बार भी उपस्थित नहीं हुए। आज भोपाल आ रहे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, MCU में दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। पाकिस्तान के एक न्यूज रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA पतन के कगार पर है, और PIA के शीर्ष अधिकारी ने चेतावनी दी है कि यदि आपातकालीन धन उपलब्ध नहीं कराई गई, तो पाकिस्तान एयरलाइंस की उड़ान आज 15 सितंबर से सस्पेंड हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय निदेशक SK मिश्रा को आज 15 सितंबर तक ईडी निदेशक पद पर बने रहने की अनुमति दे दी है। हालांकि कोर्ट ने साफ किया है कि उनके कार्यकाल में विस्तार नहीं दिया जाएगा, इसलिए आज उन्हें रिटायर होना होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूं, और जैसे ही आपके लाइक और कमेंट आते हैं, हमारी खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। आज के दिन को पूरे दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस दुनिया में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना और उनके संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दिवस मनाया जाता है, जिसके लिए साल 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। हापुर में अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के घटना के विरोध में उत्तर प्रदेश न्यायालय विधिक संघ ने शुक्रवार को अर्थात आज भी न्यायिक कार्य से विरक्त रहने की ऐलान किया है, जिस कारण आज भी उत्तर प्रदेश के कोर्ट में कामकाज नाम मात्र के लिए होंगे। इंडी अलायंस के घोषणा पत्र में बिहार में हाल ही में जातिगत आधारित जनगणना को हिस्सा बनाने पर लगभग सहमति बनने के बाद तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी नाराज हो गई हैं, जिसे मनाने के लिए अब लालू यादव और नीतीश कुमार पर ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर जबरदस्त हादसे का मामला सामने आया, जहां ग्रिल तोड़कर 25 फीट नीचे गिरी बस, 15 से ज्यादा यात्री हुए घायल। भारतीय क्षेत्र में घुसे पाकिस्तानी ड्रोन को BSF के जवानों ने मार गिराया, जहां पंजाब के सेक्टर गुरदासपुर BSF की 27 बटालियन की BOP रोसा पर तैनात जवानों ने भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहे पाक ड्रोन पर फायरिंग की, साथ ही 2 रोशनी बम भी दागे। हरियाणा के गुरुग्राम में नूह मामले को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से इस्तीफा देने का ऐलान किया, जहां उनका कहना है कि इस पूरे प्रकरण में मुख्यमंत्री और सरकार की मंशा समझ में नहीं आ रही है। वहीं मोनू मानेसर की गिरफ्तारी को भी राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए सामूहिक रूप से त्यागपत्र देने का ऐलान किया है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पागल नाले पर 90 मीटर लंबी सुरंग निर्माण किया जाएगा। सरकार इसके लिए DPRO तैयार कर रहा है, जहां इस यात्रा के दौरान बद्रीनाथ धाम, फूलों की घाटी गोविंद घाट, हेमकुंड साहब और बर्फबारी के दौरान ओली आने वालों को सुगमता होगी। रांची शहर के कांके इलाके में गुरुवार सुबह अपराधियों ने एक कारोबारी अवधेश कुमार पर ताबड़तोड़ गोलियां दागकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद उन्हें रांची के पल्स हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में PM नरेंद्र मोदी ने जब कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने G20 के डिनर में विदेशी मेहमानों को कोदो, कुटकी और रागी से बने व्यंजन खिलाए, जो कि हम सभी हर रोज खाते हैं, तो मेहमान बहुत खुश हुए। यह बात सुनकर सभा में मौजूद लोगों ने खूब जमकर तालियां बजाई।
मध्य प्रदेश के सीहोर में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ की पूर्व सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने बच्चों के लैपटॉप बंद कर दिए, बेटा बेटियों के जन्म पर 4,000 रुपए दिया जाता था उसे भी बंद कर दिया, तीर्थ यात्रा भी बंद कर दिए, लेकिन फिर से तीर्थ यात्रा की शुरुआत हुई है और अब रेल से नहीं बल्कि हवाई जहाज से बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराऊंगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बुधवार को शहीद हुए मेजर आशीष का पार्थिव शरीर आज शुक्रवार को उनके घर पानीपत लाया जाएगा। वह आतंकियों के साथ उनके ठिकाने के ठीक सामने लड़ते हुए शहीद हो गए थे। मुंबई में एयरपोर्ट पर गुरुवार शाम करीब 5 बजे बड़ा हादसा हुआ, जहां एक प्राइवेट विमान अचानक रनवे से फिसल गया। इसके बाद विमान में आग लग गई, लेकिन सौभाग्य की बात ये रहा किसी के जान जाने की खबर नहीं है। हालांकि 3 लोग जख्मी हुए हैं। विमान जब उड़ान भर रहा था उस वक्त उसमें कुल चालक दल सहित 6 लोग शामिल थे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पायलट से कहने से प्रदेश का एक सिपाही भी नहीं हटता। बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, दुष्कर्म की घटनाएं दिन प्रतिदिन सुनने को मिल रही है, लेकिन अशोक गहलोत दरबारी करने में व्यस्त है। सुल्तानपुर स्वशासकीय राज्य मेडिकल कॉलेज की हकीकत परखने के लिए विशेष सचिव स्वास्थ्य चिकित्सा एवं शिक्षा राम यज्ञ मिश्रा औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां कॉलेज के ओपीडी और लैब का निरीक्षण किया। सूत्रों की माने तो हड्डी विभाग में डॉक्टर ना होने के कारण वे नाराज भी हुए। दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज़ को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन बहुत लोग अभी भी बाकी हैं जिन्होंने न्यूज़ को लाइक नहीं किया है और कमेंट भी नहीं किया है, शेयर भी नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज़ 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 वे भी न्यूज़ को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें, ताकि आपके साथ में आपके जानने वाले भी न्यूज़ से अपडेट रह सके। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।